आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप के बारे में यहां पर रिलायंस ने जो टेक ओवर लिया है फ्यूचर ग्रुप का दैट हैज नॉट बीन गॉन वेल खुद फ्यूचर ग्रुप कह रहा है कि ये स्टोर उनकी कंसेंसस के बगैर ओवरटेक कर लिए गए हैं रिलायंस के द्वारा अब क्या हो सकती है आगे की प्रक्रिया और इस खबर के चलते हुए फ्राइडे के दिन मार्केट ने काफी तकड़ी गिरावट आई है हम क्या करेंगे वो भी बताएंगे और साथ साथ में क्या ऑप्शन है यहां पर क्योंकि अभी काफी नुकसान हो चुका है इस स्क्रिप्ट में क्या यहां से एग्जिट का प्लान करना चाहिए ये भी टेक्निकल बेसिस पर बात की जाएगी रिलायंस लुकआउट टू कैश करेंटली फॉर द डील जो यहां पर रशिया और यूक्रेन का इन्वेजन हो रहा है जिसकी वजह से ऑयल प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से फ्यूल शॉर्टेज हो रही है जिसके लिए इनकी मार्जिन रिफाइनरीज बहुत अच्छी चल रही है भाव 20 परसेंट से ज्यादा है ओएल का मार्केट में अभी तो इनका मार्जिन भी काफी अच्छा रहेगा जिसकी वजह से रिलायंस का स्टॉक बहुत ही अट्रैक्टिव हो रहा है और काफी लोग इसको बाय कर रहे हैं यहां पर देखिए इन्होंने कहा है कि जो रशिया से फ्यूल बाइंग चल रही है इनकी प्लानिंग उसको शायद इनको हॉल्ट करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल सैक्शन अगर गवर्नमेंट इनको बोलती है तो उनको स्टॉप करना पड़ेगा अदरवाइज उनको सस्ता माल मिल रहा है और अपना भाव अच्छे से निकाल रहे हैं मार्जिन के रेफरेंस में ये यहां पर इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी में भी काफी अच्छा काम करना शुरू किया है बैटरीज शुड बी मेड इन इंडिया गवर्नमेंट ने कहा है ये और इंपोर्टेड बैटरीज पर 40 परसेंट तक का टैक्स लगा रही है गवर्नमेंट इसके लिए इन्होंने पीएलआई स्कीम पुश की थी जिसके चलते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने विन बिड किया है और साथ साथ में ओला ने 2.4 बिलियन बैटरी प्रोग्राम जो है इसमें दोनों को अप्रूवल मिल गया है यहां पर तो ये बहुत अच्छी खबर है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए दोनों खबरें पॉजिटिव हैं अब फ्यूचर रिटेल में थोड़ा सा रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक शॉक लगा है जिसकी वजह से यहां पर अमेजन का पलड़ा हल्का सा भारी है और अगर सिंगापुर इंटरनेशनल कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू होती है तो ये फर्दर डिले करेगा और शायद द टाइम माइट गेट एक्सटेंडेड अप अपर इट्स सेल्फ तो देखिए पिछला हफ्ता काफी बुरा था अगर हम देखें सैंतालीस के नीचे जैसे ही गया ये स्टॉक तो फिर गिरावट शुरू हुई और तकड़ी हर दिन रेड कैंडल बनी है दिस इज द फैक्ट ऑफ द मैटर कुछ लोग यहां पर अगर किसी ने फ्रेश एंट्री लेनी है तो ग्रेजुअली एंट्री लीजिएगा जैसा हम आपको अपने चैनल पर भी कंटिन्यूसली पोस्ट करके बता रहे हैं वी आर प्लेसिंग ऑर्डर जीटीटी टी एज वेल एज नॉर्मल ऑर्डर ड्यूरिंग द मार्केट बट उसके अलावा हम अपने पास कैश भी रख रहे हैं इसीलिए कह रहे हैं इतनी ज्यादा जल्दी मत कीजिएगा रिलायंस डील यहां पर अपडेट बता रहे हैं आपको अमेजन का अटैक जारी है उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो यहां पर रिलायंस ले रही है इस इक्वलेंट ऑफ डिसबैलेंसिंग द एपल कार्ड जैसे सेब की एक टोकरी होती है या सेब की जैसे गाड़ी होती है उसको अगर पलट दिया जाए तो सारे सेब ग्राउंड पर आ जाते हैं और कोई फायदा नहीं रहता है उसके बाद में तो यहां पर वही सिचुएशन रिलायंस करने की कोशिश कर रहा है और वो चाहते हैं कि सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में इसका आर्बिट्रेशन चले और इन्होंने चीफ जस्टिस एन वी रमना और ए एस भूपना एंड हिमा कोहली जी के साथ में नेगोशिएट किया है कि ये यहां पर इसको इंट्रीम प्ली दे ताकि ये अपना आर्बिट्रेशन फर्दर कर सके पर अब इसकी हियरिंग अगली हियरिंग मार्च सत्ताईस को होगी विनी टू मॉनिटर सिचुएशन वेरी क्लोजली सिचुएशन इज नॉट गुड हमारा भी काफी हैवी नुकसान है इसमें करंटली क्योंकि पोर्टफोलियो में है पाँच परसेंट तक के लिमिट के रेफरेंस में अभी पूरी लिमिट नहीं है बट फिर भी काफी ज्यादा नुकसान है अभी इस स्टॉक में यहाँ पर दैट इट डिड नॉट हैंड ओवर एनी ऑफ द रिटेल यूनिट टू ऑयल एज पर रिटेल की वो फोर्सफुली लिया गया है इन्होंने खुद से हैंड नहीं किया है वाटर बॉडर जीटी टी ऑर्डर का क्या हुआ तो देखिए कल के वीडियो में हमने बता दिया था जीटी टी ऑर्डर मॉर्निंग में ही एग्जीक्यूट हो गए थे अब नए ऑर्डर क्या हम प्लेस करेंगे जी हाँ तो सबसे पहले अगर हम चार्ट पर एक चीज दिखाना चाहेंगे सिर्फ आप इस बात को समझिएगा दिस इज बेस्ड ऑन अवर एक्सपीरियंस यहां पर 47 से गिरावट आकर 38 के आसपास आ गया है आर का लेवल 28 है जो कि एक अनसस्टेनेबल लेवल है शायद एक दो दिन और गिरे, उसके बाद में इसमें बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है एज पर चार्ट अब क्या खबर होगी क्या नहीं होगी वो समय ही बताएगा बट बत यहां पर पॉजिटिव न्यूज ही एक्सपेक्टेड है एनसीएलटी का हियरिंग जल्दी आए जो कि इस हफ्ते यहां पर उम्मीद है तो उस एंटिसिपेशन में यहां पर हम फ्यूचर रिटेल के आपके सामने अपने जी टी टी के ऑर्डर प्लेस करेंगे आपको फिर से बताएंगे अभी कैसे जी टी ऑर्डर किया जाता है तो यहां पर में आप क्लिक कीजिए जी टी ऑर्डर और यहां पर इसको आप अपना ट्रिगर प्राइस तो देखिए कल भाव बंद होते होते अड़तीस रुपए के आसपास चल रहा था तो सबसे पहला ऑर्डर हम सैंतीस पर लगाएंगे और इसकी क्वांटिटी इस बार फाइव की रखेंगे लास्ट टाइम के मेरे खुताबित थोड़ा सा कम कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि अब कैश का इक्विलेंट ज्यादा हम फ्यूचर लाइफ सेल फैशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं और यहां पर अगर हम बात करें तो इसका हमारा जो प्राइस होगा वो बीस पैसे ऊपर ताकि सारा का सारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए पहला ऑर्डर अब दूसरा ऑर्डर क्रिएट जी टी टी यहां पर ट्रिगर होगा थर्टी सिक्स पर और हमें उम्मीद नहीं है कि सारे ऑर्डर आएंगे कि नहीं आएंगे बट वी आर प्लेसिंग द ऑर्डर और ये यह यहां पर थर्टी सिक्स पॉइंट टू जीरो एक और ऑर्डर जीटीटी का जो कि 35 पर 500 क्वांटिटी और 35.20 तो ये सारे के सारे ऑर्डर अब रहेंगे सिस्टम में हमारे और आप चाहें तो इन ऑर्डर्स को यहां पर देख भी सकते हैं ऑर्डर बुक में जाएंगे जीटीटी में तो अभी फ्यूचर रिटेल के ऑर्डर नहीं डाले हैं फ्यूचर लाइफ सॉरी फ्यूचर फैशन के ऑर्डर नहीं डाले हैं बट फ्यूचर रिटेल के ऑर्डर हमारे यहां पर पड़े हुए हैं एंड वी विल पुट मोर ऑर्डर्स अकॉर्डिंगली इफ नीडेड करेंटली दिस इज द करेंट पोजिशन विच वी आर प्लेइंग विद ब्रोकर्स का व्यू मिक्स व्यू है हमारा व्यू क्लियर है वी आर गोइंग टू होल्ड स्टॉक और वी विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली फाइव परसेंट लिमिट के अकॉर्डिंगली हमारी पोजीशन आपको क्लियर है हम कंटिन्यूअसली इसको बाय कर रहे हैं वी हैव नॉट सोल्ड इवन अ सिंगल स्टॉक सिंस वी स्टार्ट बाइंग दिस वन अगर आप चाहें तो फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है निफ्टी के फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग के लिए तो टू का पैकेज ले लीजिए सिक्स डे चैलेंज चल रहा है पिछले हफ्ते सिक्सटी का प्रॉफिट हुआ है हमारे को प्लीज कंसल्ट फाइनेंशियल एडवाइजर ट्रेनिंग के लिए मिल ड्रॉप करें जय हिंद